तो दोस्तों हमारी ये रेत आ चुकी है, ये भी है, इससे तोड़े के अंदर भी है, ये हमने मिक्स कर ली हुई है। तो अब इसमें पानी डालते हैं तो फिर अंदर अपनी जो है ना ईंटें वगैरह इधर लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि मैं बना रहा हूँ ईंटों का, बना रहा हूँ मैं वो मटका वगैरह नहीं रख रहा, ईंटों का कमरा बना के दो कमरे। तो वैसे मैं ना अपने रैबिट के लिए घर जो है ना बना रहा हूँ सेफ वाला, जो जैसा वो पसंद करते हैं। तो इंशाल्लाह अभी इधर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद है सब दोस्त भाई अल्लाह के फजल और करम से खैरियत से होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। तो चलिए अपना रैबिट हाउस जो है ना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहली ईंट जो है ना हमने लगा दी है, ऐसे सही है, या जैसे जैसे आप बनता जाएगा ना आपको समझ आती जाएगी, तो ऐसे आपको भी समझ नहीं आ रही होगी। और मैं ये देखें इधर फंस के बैठा हूँ छत के साथ, मेरा सर लग रहा है, चलिए काम तो करना है ना अभी। ये देखें जी पहली ईंट लग गई है, अब दूसरी रखनी है हमने इधर, साथ साथ जो है ना सीमेंट लगाते जाएंगे। और मैं ये थोड़ा सा करके ना फिर आपको दिखाता हूँ, अपडेट करता हूँ आपको साथ साथ। अभी साथ मेरे खेला हूँ इधर, मैं वीडियो बनाने वाला कोई है नहीं, और स्टैंड के साथ जो है ना वीडियो सही बन नहीं रही, तो फिर ऐसे ही आपको थोड़ा सा काम करके फिर आपको साथ साथ दिखाता हूँ, समझ आपको इंशाल्लाह लग जाएगी। और मैं आपको साइज़ भी बता दूंगा, पहले मैंने पिंजरे वगैरह बनाए हैं तो काफ़ी भाई के मैसेज आए कि यार साइज़ नहीं आपने बताया, तो मुझसे मिस्टेक हो गई थी क्योंकि मैं प्रोफेशनल तो पिंजरा बनाने वाला नहीं हूँ, तो वैसे ही मैंने बनाया था बन गया। अभी ये भी अलहमदुलिल्लाह काम कर रहे हैं देख देख के, तो साथ साथ आपको बताता हूँ साइज़ भी बता देता हूँ कि कितना साइज़ जो है ना बेस्ट होता है, तो साथ साथ आपको अपडेट करता हूँ। ये दोस्तों मैं वीडियो थोड़ी सी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये मैं साइज़ कर रहा हूँ इसका, जो मेरे पास इसके ऊपर मैंने जो कवर करना है जिसके साथ स्लैब जो है टाइल है वो हमारे पास है 16 इंच की, मतलब कि 15.5 इंच की है स्लैब है। ये देखिए ये 15 इंच है और ये 15.5 इंच, इतनी स्लैब है, उतना ही मैं रखूँगा इधर से भी और हाँ जी इधर से भी, ये हमारा इधर सेंटर हो गया। ये देखें जी दोस्तों ये एक घर की जो है ना नीचे वाली दीवार हो गई है, अब इसके ऊपर एक एक ईंट लगानी है ऐसे, तो फिर ये माशाल्लाह ये देखें ये मेरा हाथ है, ये देखें मैं आपको ईंट रख दिखाता हूँ आपको आइडिया हो जाएगा ये कितना बड़ा खुला डुला, ये माशाल्लाह घर इनका तैयार हो जाना। तो अभी इधर एक और तैयार करते हैं। ये जी दोस्तों माशाल्लाह ये देखें एक ये घर हो गया, ये देखें माशाल्लाह बहुत खुला डुला, इधर आराम से रहेंगे सही है। तो एक घर ये हो गया, ये मुकम्मल हो गया, अब इसके ऊपर सिर्फ स्लैब आनी है सही है, ये आप देख रहे हैं। और एक ये बेहतरीन हो, अभी ये इधर पाइप के लिए जगह छोड़ी है, ये इधर पाइप आएगा फिर मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली जो है ना दोनों हाउस जो है ना रैबिट के कंप्लीट हो चुके हैं, ये अंदर से देखें माशाल्लाह बिल्कुल साफ कर दिया, ये जो इसमें सुराख होते हैं ना जो दोनों ईंटों के सेंटर में जो होती है जगह वो अच्छी तरह से फिल करनी होती है, क्योंकि कोई कीड़े मकोड़े इधर अपना घर ना बनाए, देखिए हर जगह से मैंने अच्छी तरीके से फिल की हुई है सही है, जो थोड़ी बहुत रह जाए वो भी हो जाएगी। तो ये इधर लगाने का मकसद ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ऊपर हमने इसके टाइल रखनी है ना ये ऐसे उधर कोने में आ जाएगी, ये बिल्कुल सही बैठ गई है, और नीचे ये देखिए इधर पाइप आ जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मुकम्मल बना,
ये जी दोस्तों इधर मट्टी डाल दी है, पाइप रख दी है, ये देखिए मट्टी डाल दी हुई है। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ना पानी लगाते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी रेत डालते हैं। तो दोस्तों ये ऊपर रेत डाल गई है, सही है, ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त लग रहा है। और ये इधर से दो सुराख रखे हुए हैं, सही है, तो इधर से रैबिट अंदर जाएंगे और उधर से निकल जाएंगे। तो ये माशाल्लाह ऐसे रेत डाल दिया, अब इसके ऊपर जो है सीमेंट डालते हैं, फिर ये बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। ले जी दोस्तों, अब माशाल्लाह ये भी सीमेंट भी मुकम्मल हो गया और ये दो घर भी तैयार हो गए हैं। बाकी मैं आपको अपडेट जो है इसकी मुकम्मल सफाई करके ना फिर आपको दिखाता हूँ। देखें जी माशाल्लाह दोस्तों, फाइनली हमारा रैबिट हाउस जो है ना तैयार हो गया। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, इंशाल्लाह एक दिन इसको कलर भी कर देंगे, सही है, बाहर से अंदर से इनके सारे घर को कलर भी कर देंगे। हाँ जी कैसा लगा आपको घर हैं? ये देखें दोस्तों, अभी तो इधर बाहर बाहर घूम रहे हैं, अंदर नहीं गए इसके। तो मैं क्या करता हूँ, एक खरगोश को ना इसके अंदर घर के अंदर छोड़ता हूँ, तो फिर देखता हूँ ये बाहर आता है कि नहीं। इसको छोड़ता हूँ, इसको 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 छोड़ता हूँ इसके अंदर। अब देखता हूँ इधर से बाहर आता है कि नहीं। आ जाओ, मेरे ख्याल में डर रहा होगा, अभी तक नहीं बाहर आया। ये देखें, ये सर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं घर को। वो देखें, वो देखें, वो देखें, वो देखें, जा तो बाहर भाग गई है, वो भी तक नहीं बाहर आई है, बाहर आया, सॉरी अभी तक अंदर ही घूम रही है। माहौल पसंद आ जाएगा दोस्तों इनको, जबरदस्त माहौल पसंद आएगा। हाँ जी तुम क्या सोच रहे हो हैं ब्रोनी ओए? तो दोस्तों ये देखिए माशाल्लाह ये हमारा फाइनल जो है ना सेटअप तैयार हो गया है रैबिट का। अब रैबिट इधर घूमेंगे फिरेंगे, इधर खाएं पिएंगे, इधर ही रहेंगे, इधर ही बच्चे देंगे। तो अगर इंशाल्लाह इनको माहौल पसंद आ गया ना, तो दोस्तों एक इधर बनाएंगे घर छोटा सा, सही है, तो उसका पाया पैसे इधर निकाल देंगे। और ये हमने इधर छोड़ा है, ये देखें ये रखा हुआ है आरजी, आरजी इंटर रखी हुई है ताकि कोई बिल्ली वगैरह अंदर ना जाए। और
इनके घर को वॉश करना हो, वॉश करके पानी इधर से बाहर निकल जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। और दोस्तों वो अभी तक बाहर नहीं आया, और वीडियो इधर मैंने बंद किया था, ये देखें अभी भी इसके अंदर ये, तो आदत नहीं ना हो रही इनको, आदत हो जाएगी आस्ता आस्ता।